हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आपके सेवंथ पेपर के लिए हम अध्ययन कर रहे थे कि ब्रिटिश शासन में प्रशासन का विकास किस तरह से हुआ। आज हम अध्ययन करेंगे कि स्थानीय शासन का विकास ब्रिटिश काल में किस प्रकार से हुआ। तो वर्तमान समय में स्थानीय शासन संस्थाएं जो हमें देखने को मिलती हैं नगरों में, वो मूल रूप से ब्रिटिश शासनकाल की देन मानी जाती है। स्थानीय शासन का प्रारंभ प्रेसिडेंसी नगरों में रहते हुए 1687 ईस्वी में मद्रास के लिए एक निगम की स्थापना की गई ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा भारत में। 1726 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में मेयरों की अदालतें भी स्थापित की गई और उनको न्याय करने का अधिकार सीमित रूप से स्थानीय स्तर पर दिया गया। 1850 में एक अधिनियम बना जिसके अनुसार जितने भी भारत में विभिन्न प्रांत थे उनके कुछ बड़े नगरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। विशेष रूप से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्थानीय संस्थाओं को काफ़ी बढ़ावा मिला और उनके स्वरूप को भी लोकतांत्रिक बनाया गया और उनके कार्यों और शक्तियों में भी वृद्धि की गई। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीय प्रशासन की। अंग्रेजी शासनकाल में क्षेत्रीय शासन का भी विकास हुआ। प्रांत जिलों में विभक्त थे और कुछ प्रांतों में जिलों का समूहीकरण करके संभाग भी बनाए गए, संभागों का निर्माण भी किया गया और संभाग का अधिकारी जो नियुक्त किया गया उसको आयुक्त या कमिश्नर कहा गया। जिले के अधिकारी को कलेक्टर कहा गया। आयुक्त और कलेक्टर ये दोनों ICS के वरिष्ठ अधिकारी होते थे। ICS से तात्पर्य है इंडियन सिविल सर्विसेज। कलेक्टर जिला प्रशासन की प्रमुख धुरी होता था और जिले में प्रशासनिक तंत्र को चलाने का पूरा दायित्व उसका ही होता था। जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उसका बहुत प्रमुख कर्तव्य था और कलेक्टर ही जिला मजिस्ट्रेट के रूप में न्यायिक और जो भी कार्यकारिणी से रिलेटेड संबंधित कार्य थे उनका संचालन भी कलेक्टर ही करता था। तो इस तरह से जिले में कलेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था। इसके अतिरिक्त न्याय प्रशासन ब्रिटिश काल में एक बहुत अच्छा प्रारंभ हुआ। न्याय का कार्य संघीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। सबसे ऊपर संघीय न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और सबसे निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई थी। और भारतीय शासन अधिनियम के आधार पर 1935 के आधार पर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश होता था और सरकार के द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश होते थे। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रारंभिक और अपीलीय और परामर्श संबंधी विषय आते थे। प्रांतों में उच्च न्यायालय का गठन हुआ और 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इन न्यायालयों को भी अधिकार था कि ये दीवानी, आपराधिक और वसीयत से संबंधित और गैर वसीयत से संबंधित या और वैवाहिक क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रारंभिक और मौलिक और अपील दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। जिलों में अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई थी और ये अधीनस्थ न्यायालय दो प्रकार के थे, दीवानी न्यायालय और आपराधिक न्यायालय। तो इस प्रकार से जो इन्हीं का ही स्वरूप हमें वर्तमान समय में भी देखने को मिलता है और ब्रिटिश शासन में इस तरह के न्याय प्रशासन की शुरुआत हो चुकी थी। अब हम चर्चा करेंगे लोक सेवाओं के विकास की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में अपना शासन स्थापित किया तब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी भारत में प्रशासक
नियुक्त किए जाते थे और वो प्रशासक भारत में आकर प्रशासन संभालते थे, लेकिन ये जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नियुक्त किए गए, इन्होंने इनके समय में न तो कोई कैडर प्रणाली थी और न ही कोई आचार संहिता थी। इसके कारण से इन लोगों ने भारत में या इन ऑफिसर्स ने भारत में बहुत ही लूट प्रथा को जन्म दिया और इस लूट प्रथा के कारण प्रशासनिक सेवाओं के विकास में कोई बहुत वृद्धि अच्छी तरह से नहीं हुई। लेकिन बाद में लोक सेवाओं के का धीरे धीरे क्रमशः विकास हुआ और लॉर्ड वेलेजली के काल में लोक प्रशासकों का चयन बड़ी सावधानी से किया जाने लगा और ये भी व्यवस्था की गई कि जो लोक प्रशासक का चयन होता है उनको प्रशिक्षण भी दिया जाए। और लॉर्ड वेलेजली ने सावधानी से इन लोक प्रशासकों का चयन करके इन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रशिक्षण के लिए भेजा और कई महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित लोक सेवकों को इसमें प्रशिक्षण मिला और उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य भी किए, जिनमें मुनरो, मैलकम, एल्फिंस्टन इत्यादि ICS ऑफिसर्स प्रशासकों का नाम लिया जा सकता है। भारतीय प्रशासन में मुनरो और एल्फिंस्टन जैसे प्रशासकों ने भारतीय प्रशासन में सुधार के भी कई सुझाव दिए। मुनरो ने मद्रास सरकार को सुझाव दिया कि कलेक्टर के पद के साथ ही मजिस्ट्रेट की सत्ता भी इसमें अंतर्निहित कर दी जाए, ग्रामीण पुलिस का प्रबंध गांव के मुखिया के हाथों में सौंपा जाए। बंबई सरकार में एल्फिंस्टन ने प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से तीन महत्वपूर्ण कार्य किए। एक तो कानून की संहिताएं बनाने का कार्य किया, दूसरा भारतीयों को प्रशासन कार्यों में अधिक से अधिक जोड़ने का कार्य किया और तीसरा शिक्षा के प्रसार का कार्य, ताकि लोक प्रशासन के दायित्वों को अधिक से अधिक ग्रहण किया जा सके। और इसके बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का नाम आता है। उन्होंने योग्यतम भारतीय अधिकारियों को न्यायिक कार्यों में संपादन में हिस्सेदारी प्रदान की और उनके लिए उच्च वेतनमान वाला पद डिप्टी कलेक्टर पद सृजित किया। 1858 में कंपनी शासन का अंत हो गया और उसके स्थान पे ब्रिटिश क्राउन की सरकार की स्थापना हुई और जिसने प्रशासन तंत्र को सरकार बना दिया। और ये जो सरकार बनी इसमें उच्च भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जो थे वो अब अपने आप को मालिक समझने लग गए और सत्ता के प्रति उत्तरदायी, वो अंग्रेज सत्ता के प्रति उत्तरदायी थे और वो भारत में अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको उन्होंने अधिक स्वीकार नहीं किया। इस मनोवृत्ति का परिणाम ये निकला कि भारत में ये मांग सामने आने लगी कि उच्च सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए और भारतीयों को इसमें अधिक स्थान प्रदान किया जाए। 1886 से लेकर 1923 तक इस संदर्भ में तीन शाही आयोगों की नियुक्ति हुई और ये जो शाही आयोग थे इन्होंने लोक सेवाओं के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तीन शाही आयोग थे, एचिसन आयोग 1886 जो फर्स्ट आयोग कहलाता है, इसने भारत सरकार को ये सलाह दी कि स्टेट्यूटरी सिविल सर्विस की व्यवस्था को समाप्त करके प्रांतीय लोक सेवा का गठन किया जाए। और कन्वेंटेड लोक सेवाओं में भर्ती के लिए इंग्लैंड और भारतवर्ष में साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने के प्रस्ताव को इस आयोग ने अस्वीकार किया और इंपीरियल और प्रोविंशियल नामक लोक सेवाओं के दो नए कैडरों का गठन का प्रस्ताव किया, जो बाद में दो नई लोक सेवाएं भी स्थापित हुई। दूसरा आयोग जो इंग्लिस्टन आयोग के नाम से जाना जाता है,